दिस इज द थीम ऑफ माई प्रेजेंटेशन टूडे एस्टेट प्लानिंग फॉर इंडियन फैमिलीज इज एस्टेट प्लानिंग फॉर क्लासेज और मासेस राइट तो बहुत बड़ा एक मिसकसेप्शन है कि जब मैं वर्ड बोलता हूँ तो ये क्लास लोगों के लिए एच एन आई के लिए अल्ट्रा एच एन आई के लिए यह नॉर्मल फैमिलीज के लिए नहीं है मैं आज इस प्रेजेंटेशन में ये मिथ ब्रेक करना चाहता हूँ कि एस्टेट प्लानिंग इज फॉर एवरी वन इट इज नॉट फॉर अ सर्टिन लेवल ऑफ इनकम सर्टिन लेवल ऑफ मनी सर्टिन लाइफ स्टेज राइट तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूं किन लोगों को स्टेट प्लानिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है एचएनई को आपको जरूरत है एचएनई है आप एचएनई हैं? तो अगर आप एच एन आई है आपको जरूरत है कोई जो अपने आप एच एन आई नहीं समझता नॉर्मल आदमी समझता है मिडिल क्लास उसको भी जरूरत है और उतनी ही जरूरत है जो एच एन आई या उससे कम है भाई तो मेरे पे अगर एक करोड़ की वेल्थ है आपके पास सौ करोड़ की वेल्थ है मेरे लिए तो मेरी एक करोड़ उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी सौ करोड़ है आपकी सौ करोड़ का दस परसेंट बच्चों पे ठीक पहुंचा है वो जी लेंगे मेरे एक करोड़ का अगर दस परसेंट पहुंचा उनको कुछ नहीं मिलेगा तो मेरे लिए ज्यादा जरूरी क्या है किसके लिए ज्यादा जरूरी है लोअर लेवल पे या हायर लेवल पे लोअर लेवल पे ज्यादा इट्स नॉट फॉर मास नॉट फॉर क्लासेज इट्स फॉर मासेज पहला मिथ ये ब्रेक करना पड़ेगा कि स्टेट प्लानिंग मासज के लिए है क्लास के लिए नहीं है क्लास को तो बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं मास को कौन एडवाइस देता है मास को एडवाइस कौन देता है इंडिया में आप देते हो एडवाइस आप देते हो और ये ज्यादातर एडवाइस फ्री की है आप चार्ज भी नहीं करते हो उस एडवाइस का करते हैं चार्ज राइट तो पहली बात हम बिल्कुल क्लियर करते हैं कि स्टेट प्लानिंग इज फॉर एज वेल एज क्लासेस राइट चलिए तो सबसे पहले जब मैं स्टेट प्लानिंग की बात करता हूं तो लोग कहते हैं जी मैं शायद रियल एस्टेट के बारे में कुछ बोलने वाला हूं ना क्योंकि कॉमन है, एस्टेट एस्टेट है इसके बाद यूनिक चीजों पर जाऊंगा जो आज तक हमने नहीं सुनी होगी राइट तो वॉट मेक्स योर एस्टेट आपकी एस्टेट क्या है तो डेफिनेशन कहती है एवरी थिंग विच यून ओन टूडे इज योर एस्टेट एंड एवरी थिंग विच ओन on the date of your death is also part of your estate. It further says everything which you will own after your death is also your estate. जो कुछ आपके पास आज है वो आपकी estate है जो कुछ आपके पास होगा आपकी date of death के पास वो भी आपकी estate है और जो death के बाद मिलेगा वो भी आपकी estate है पर मेरा question आपसे यहाँ पे थोड़ा सा different है और question क्या है क्या आपको पता है कि आज की डेट में आपके पास क्या क्या है अगर मैं आपको एक प्लेन पेपर दूं और से कह अपनी लिस्ट ऑफ एसेट्स लिख दो तो क्या आप एक कंप्लीट लिस्ट बना सकते हो क्या आप एक कंप्लीट लिस्ट बना सकते हो अपने एसेट्स की कि आज की डेट में क्या है कितने लोगों को पता है आज की डेट में उनके पास क्या क्या है चलिए तो पहले तो इस मिथ को ब्रेक करते हैं कि आपको पता है कि आपके पास क्या क्या है राइट right? और इसके लिए एक बड़ा सिंपल एग्जाम्पल देता हूं आपकी तरह ही एक बिजनेस था आप लोग सब बिजनेस करते हो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस उसने अपना बिजनेस अपने बड़े लड़के को दिया थ्रू अ विल ठीक है और क्योंकि उसने कुछ नहीं किया उसके छोटे लड़के के हाथ में बिजनेस उसकी डेथ के बाद किया मिला बड़े लड़के को मिल गया विल से पर क्योंकि उसने कुछ नहीं किया उसके छोटे लड़के के हाथ में क्या आ गया उसका मोबाइल फोन नंबर आ गया अब क्या होगा बिजनेस गया बड़े वाले को मोबाइल फोन नंबर मिला छोटे वाले को अब क्या होगा बिजनेस ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा बड़े से छोटे पे या दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाएगी और ये दोनों ही चीजें ये आदमी नहीं चाहता था राइट अब क्वेश्चन यह जब मैं आपको आपकी विल बनाने को कहूंगा तो आप में से कितने लोग उस विल में लिखेंगे मेरी डेथ के बाद मेरा मोबाइल फोन नंबर इसको दे देना दे दे। मेरी ईमेल आईडी इसको दे देना क्या आपका मोबाइल फोन नंबर और ईमेल आईडी एक एसेट है एसेट है पर क्या ये आपके लिस्ट ऑफ एसेट में होगा तो क्या आपको पता है आपके पास क्या क्या है आज की डेट में एक आम इंसान के पास चार तरीके के एसेट्स होते हैं पहले कौन से हैं फिजिकल एसेट्स लैंड बिल्डिंग मशीनरी ज्वेलरी गैजेट्स ये सब फिजिकल एसेट्स हैं दूसरे फिनेंशियल एसेट्स राइट शेयर्स, म्यूचुअल फंड वगैरह तीसरे डिजिटल एसेट्स डिजिटल एसेट्स मोबाइल फोन नंबर ईमेल आईडी, वेबसाइट यूआरएल, डोमेन होस्टिंग राइट और कुछ एग्जॉटिक वाले भी हैं है? जो शायद आपके रेडार पे नहीं हो, जैसे क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स माइल्स ऑन एन एयरलाइन क्या ये एसिड्स हैं आपके क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स क्या ये एसिड्स हैं क्या आप चाहोगे आपकी मर्जी से ट्रांसफर हो आपकी डेथ के बाद और इनके वेस्ट ना हो चाहेंगे तो ये एसिड है राइट और लास्ट में आते हैं आपके इनटेंजिबल एसेट्स जैसे आपकी रिलेशनशिप्स आपका ट्रेडमार्क आपकी गुडविल ये सब इनटेंजिबल एसेट्स इनको मैं टच नहीं कर सकता राइट तो एक आम आदमी को ये नहीं पता कि उसके पास क्या क्या है राइट तो, तो दे आर सर्टेन थिंग्स विच यू ओन प्री डेथ सर्टिन थिंगल ओन आफ्टर योर डेथ कुछ ऐसी चीजें जो डेथ के बाद ही आपको मिलेंगी जैसे जैसे ए, ओके क्लेम ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी ठीक है और एक एग्जाम्पल देते हैं सपोज आप उस मलेशियन एयरक्राफ्ट में ट्रेवल कर रहे थे जो क्रैश हो गया और आपकी डेथ के बाद गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने पांच करोड़ रुपए का क्लेम पास कर दिया ये किसको मिलेगा पैसा और किसकी मर्जी से मिलेगा किसकी इच्छा से मिलेगा हु इज द ओनर ऑफ दिस मनी नॉमिनी नॉमिनी तो होता ही नहीं लीगल एयर लीगल एयर तो अगर आप बहुत सारे लोगों की तरह ये सोचते हो कि इसका असली ओनर इसका असली ओनर आपके लीगल एयर हैं तो आप बिल्कुल गलत हो क्योंकि तो इसके रियल ओनर वो आदमी है जिसकी डेथ हुई है द डिसीज भाई इस आदमी ने अपनी जान दे दी इस पैसे के लिए आप कह रहे ओनर कोई और है द रियल ओनर ऑफ दिस मनी इज द पर्सन हु डाइड एंड दिस पर्सन कुड हैव गिवन अवे दिस मनी वाई ही ऑज ए लाइफ अब आप मुझसे पूछ सकते हो हाउ कैन आई एवर गिव अवे मनी विच आई नेवर एवर नो आई विल एवर ओन मैं ऐसे पैसे को कैसे दे सकता हूं जिसको मुझे पता ही नहीं मैं मिलेगा तो अगर आप अपनी विल एक अच्छे लॉयर से बनाना चाहते हो या बनवाओगे तो है ना यू गेट योर विल मेड बाय अ गुड लॉयर और अंडरलाइन क्या करना है इसमें नहीं 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 गुड लॉयर गुड लॉयर लॉयर और गुड नहीं हाँ अगर आपने अपनी विल एक गुड लॉयर से बनवाई तो वो उसमें एक क्लॉज डालेगा इसे कहते हैं रेसिडुअल क्लॉज या रिमाइंडर क्लॉज जो बेसिकली कहेगा जो कुछ मैंने इस बिल में लिखा है इसके अलावा कभी मुझे कुछ मिला तो वो इन लोगों को इस प्रपोर्शन में डिवाइड कर देना इसे कहते हैं रेसिड्यूअल और रिमाइंडर एंड टाइम्स रिमाइंडर बिकम्स बिगर देन मेन एंड इट इज पॉसिबल तो आपकी एस्टेट क्या है वट एवर यू ओन टूडेज योर एस्टेट Whatever you will own on the date of your death is your estate, and whatever you will get after your death is also part of your estate, right? And what is estate planning? When I systematically plan how my estate would be distributed after my death, that planning is called estate planning, including all these assets, right? So, how many of you have done your estate planning? Hmm? After. आई टेक इट फर्दर आई टेक इट फर्दर तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं डू आई नीड ए स्टेट प्लानिंग और नोट है ना आपके भी क्लाइंट्स पूछते हैं राइट तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे जो क्वेश्चन आपको बताएंगे कि क्या आपको आपकी स्टेट प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं मेरे एक क्वेश्चन के दो ही पॉसिबल आंसर हैं येस या नो no? अगर आपका आंसर येस yes है तो आप मुझे क्या देंगे थम्स अप no है तो क्या देंगे थम्स डाउन ऑल ऑफ विद मी सब मेरे साथ है पीछे भी पीछे भी राइट आंसर हा है थम्स अप आंसर ना है तो थम्स डाउन राइट ऑल ऑफ विद मी राइट तो पहला क्वेश्चन है डू यू वॉन्ट टू हैव फुल कंट्रोल ओवर योर प्रॉपर्टी वैल्यूर ए लाइफ क्या आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति पर आपका ही कंट्रोल रहे आपकी आखिरी सांस तक कितने लोग चाहते हैं जस गिमियत हम्सअप जस गिमियत थम्स अप और थम्स डाउन अगर आपको गलत लग रहा है तो थम्स डाउन ऑल ऑफ अस शुड एंश्योर दैट आर प्रॉपर्टी शुड रिमेन अंडर आर कंट्रोल टिल आर लास्ट ब्रेथ वाई बिकॉज दिस कंट्रोल ऑफ योर ओवर योर प्रॉपर्टी एंश्योर योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपका ये जो कंट्रोल है आपकी संपत्ति पे प्रॉपर्टी पे यही यही तो आपका यही तो आपकी सिक्योरिटी है और जो लोग जीते जी इस कंट्रोल को छोड़ देते हैं वो इस दुनिया के सिंघानिया बन जाते हैं ऑल ऑफ यू नो द रेमंड केस फादर ने बेटे को दी बे, बेटे के बाद शायद किसी और पे भी चली जाएगी वाइफ के पास अब अब वहां पे भी सेपरेशन हो रहा है तो क्या हुआ गलती क्या हुई फादर से अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी का कंट्रोल छोड़ दिया एक बात याद रखिए ये फिनेंस का बेसिक रूल है और रूल क्या है लव एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट मोर देन योर सेल्फ दुनिया में सबसे प्यार करो पर अपने से ज्यादा किसी से मत करो सबसे ज्यादा प्यार किसे करना चाहिए अपने आप से जो आदमी अपने आप को सिक्योर या सुरक्षित नहीं कर पाया वो किसी और का तो मदद क्या करेगा नहीं चलिए सेकंड क्वेश्चन है डू यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लव्ड वंस इन केस यू आर डिसेबल्ड और इनकेपिस सपोज आप कोमा में चले जाते हैं आप इनकेपिट हो जाते हैं आप मेंटली अनसाउंड हो जाते हैं एल्जाइमर हो गया पार्किंसन हो गया ऐसी स्थिति में भी क्या आप चाहेंगे कि आपकी संपत्ति और आपके आपके रिश्तों की आप मदद कर पाओ आप तब भी कंट्रोल कर पाओ कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो बाकी नहीं चाहते प्लीज गिव हैपन राइट ऑल ऑफ वॉन्ट इट टू है मेरा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन ये है डू यू वॉन्ट टू गिव वॉट यू वॉन्ट टू होम यू वॉन्ट द वे यू वॉन्ट एन वेन यू वॉन्ट आफ्टर योर डेथ क्या आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति उसी को मिले जिसको आप देना चाहते हैं उतनी ही मिले जितनी आप देना चाहते हैं उसी टाइम मिले जिस टाइम आप देना चाहते हैं और उसी तरह से मिले जिस तरह से आप देना चाहते हैं इसका मतलब तो आप जीते जी तो अपनी प्रॉपर्टी का कंट्रोल रखना ही चाहते हो मरने के बाद भी कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते तब भी जाते हो मेरी मर्जी से जाए मेरी इच्छा से जाए जिसको मैं देना चाहूं उसी को मिले उतनी मिले उसी तरह मिले और उसी समय मिले राइट right? और मेरा लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज ऑफ क्वेश्चन में ये है डू यू वांट टू सेव एवरी लास्ट प्रोफेशनल फीस एंड ट्रांसफर कॉस्ट रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ योर वेल्थ क्या आप चाहते हैं कि आपके बाद आपकी वेल्थ बड़ी आसानी से बिना लड़ाई झगड़े के बिना लॉयर से मिले हुए बिना कोर्ट जाए हुए आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंच जाए कितने लोग चाहते हैं अगर आपके आंसर अच्छा कितने लोगों के आंसर इन चारों क्वेश्चन के लिए येस है जस्ट गिव मी दैट फोर नंबर राइट तो अगर आपके आंसर इन चारों के लिए सही हैं येस हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा एस्टेट प्लानिंग करनी पड़ेगी ओके okay, स्टेट प्लानिंग से ही इन चारों के आंसर क्या होंगे यस और अगर मैं ये चार क्वेश्चंस आपके किसी भी क्लाइंट से पूछूं, वो आंसर क्या होगा तो उन सबको क्या चाहिए एस्टेट प्लानिंग चाहिए।, चाहिए तो ये मिथ बिल्कुल गलत है इट्स फॉर क्लासेस इट्स फॉर मासेस, इट्स फॉर मासेस, इट्स अ मास प्रोडक्ट राइट चलिए अब अभी अभी बा... एंड में ठीक है एंड में मैं लूँगा, मैं क्वेश्चंस लूंगा आई ऑल योर चलिए अब आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं और आप रिलेट करो क्या आप इस एग्जाम्पल से रिलेट कर पाते हो या नहीं है ना अब अब प्रैक्टिकल देखते हैं, हो क्या रहा है आपकी फैमिली में कुछ चीजें हो सकती हैं जो इससे सिमिलर हो आपके क्लाइंट्स की फैमिली में कुछ चीजें हो सकती हैं जो इस सिचुएशन से सिमिलर हो तो हम छोटी केस स्टडीज करेंगे राइट इट्स अप्लाइड एस्टेट प्लानिंग राइट और सॉल्यूशन भी देखेंगे और आपका रोल भी देखेंगे इस सोल्यूशन में तो पहले केस स्टडी है दिस इज फर्स्ट केस स्टडी तो हम एक आदमी की बात करते हैं इसका नाम है राजेश जैन एंड दीज आर रियल क्लाइंट्स ऑफ माइंड मैंने कोई भी केस स्टडी इसमें ऐसी नहीं दी है जो मैंने बनाई है मैंने खाली नाम चेंज करें बस उसके अलावा कुछ नहीं किया राइट इट्स रियल लाइफ एग्जाम्पल तो दिस इज राजेश जैन ही हैज थ्री सन्स एंड टू डॉटर्स राइट थ्री सनस एंड टू डॉटर्स राजेश जैन स्टेट विदू सन इन हाउस इन हिस्स ने राजेश जैन के नाम और दो बेटे उसके साथ रहते हैं मतलब एक बेटा नहीं रह रहा और दो बेटियां घर में नहीं रह रही इज क्लियर नाउ ड्यू टू रिसेंट रन इन प्रॉपर्टी प्राइसिस द हाउस इज नाउ वर्थ थ्री करोड़ राजेश जैन कॉन्स्टेंटली पोस्टपोन डिसीजन फॉर स्टेट ट्रेनिंग एटलीस्ट है विल तो उसका आंसर क्या था जब उसे कोई विल बनाने को कहता है मैं अभी मरने वाला नहीं हूं ना अभी तो बहुत टाइम पड़ा है ना मेरे बच्चे अपने आप संभाल लेंगे नहीं मेरे फादर विल बना के नहीं गए सब ठीक चला मैं क्यों बनाऊं उनके आंसर यही थे जो आपके टिपिकल क्लाइंट के होते राइट ही थॉट देर इज एम्पल टाइम एंड रिमेन इग्नोर टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेट प्लानिंग नाउ आफ्टर हिस्सेटली डाइट

तो उसमें उसमें जो बेटे का अधिकार है उतना ही बेटी का अधिकार है तो अब ये वन बाय फाइव हो गया तो इस घर के मालिक कौन हो गए उसकी डेथ के बाद ऑटोमेटिकली पांचों बच्चे पांचों बच्चे राइट अब प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम क्या है द कंडीशन ऑफ द हाउस इज नॉट गुड एंड राजेश डॉटर्स एंड इज थर्ड सन आर लुकिंग

रिलेशनशिप इज स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ हुम उस उन इन बच्चों की रिलेशनशिप स्पॉइल होगी या नहीं होगी और इसके लिए जिम्मेवार कौन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग द रिलेशनशिप एंड ऑल ऑफ यूर राजेशम सॉरी टू स्टेट दैट यू आर एज्यूमिंग एग्रीमेंट अमंग्स योर चिल्ड्रेन आफ्टर यू डाई विच इज मोस्ट अनलाइकली नॉट हैिंग नहीं इज इट रिलेटेबल नहीं इस, इसको आपको लगता है ऐसा होता है या हो रहा है आज की डेट में होता है राइट ना ना वॉट कुड अब मुझे क्वेश्चन पूछते हैं लोग क्या कर सकता था राजीव जैन एक तो वो विल बना सकता था जिसमें विल में वो लिखता कि इस इसको ये दे रहा हूं अब उसमें भी प्रॉब्लम क्या थी प्रॉब्लम क्या थी देता कैसे घर एक बीमार पांच एक अनार पांच बीमार प्रॉब्लम है वो देता कैसे दिस इज स्टिल द प्रॉब्लम आई टेल यू अ सॉल्यूशन विच मे वर्क और विच कुड वर्क अगर मैं राजेश जैन का एडवाइजर होता तो मैं राजेश जैन से कहता इस घर की वैल्यू निकालो और वन बाय फाइव शेयर की वैल्यू निकालो उसके बाद तीन करोड़ तीन करोड़ का घर है उसका तो मतलब वन बाय फाइव की कितनी वैल्यू आई साठ लाख रुपए तीन बच्चों को साठ साठ लाख रुपए देने खुश हो जाते साठ साठ लाख रुपए की तीन टर्म पॉलिसी कराता राजेश जैन की टर्म प्लान बेचता उसको उसको नॉमिनी बना देता उन तीनों बच्चों को और उसकी विल में लिखता मेरी डेथ के बाद ये जो इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे ये इनका शेयर है घर का और बाकी दो बच्चों को घर दे देना इज इट अ सॉल्यूशन और आपका क्या माल बिका धंधा आया नहीं आया और उसके बच्चे क्या कहेंगे आपसे कि हमारे फादर का एडवाइजर ऐसा था जिसने घर में लड़ाई नहीं होने दी और उसके बच्चे हंड्रेड परसेंट आपके क्लाइंट बनेंगे ये गारंटी देता हूं क्योंकि यू वर सोर्स ऑफ गेटिंग देम देयर वेल्थ डज इट एड वैल्यू टू योर प्रैक्टिस डज इट एड वैल्यू टू योर प्रैक्टिस और अगर आप थोड़े से वैसे एडवाइजर हो तो आप कहोगे सर होल लाइफ प्लान ले लो टर्म में कुछ नहीं मिलता वापस तो शायद कमीशन भी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी नहीं जिए तो ये मर गए तो ये एश्योर्ड हो गया राइट यू आर गेटिंग द पॉइंट इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू वॉट यूर इन दोल्यूशन आर देयर ओनली दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू से राइट चलिए एक और सिचुएशन देते हैं आपको दिस इज मोर मोर कॉमन right this is more common there is sonal your client who's 38 years of age she is happily married to ritesh age 40 with two lovely children ayush 10 years and ritika 14 years both of them are working for mncs and have accumulated good amount of wealth which is majorly financial assets like mutual fund shares and bank fds of around 9 crore rupees these financial assets are majorly held singly with cross nominations तो अगर अगर सोनल के नाम एसेट है तो उसमें नॉमिनी कौन है रितेश है रितेश के नाम एसेट है नॉमिनी कौन है सोनल है क्रॉस नॉमिनेशन है सिंगल है वेरी फ्यू होल्डिंग बैंक फिक्स डिपॉजिट आर इन ज्वाइंट नेम्स विद आई दर ऑफ सर्वाइवर ऑप्शन क्लियर ठीक है देयर रियल एस्टेट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड 4 बी एच के हाई एंड रेजिडेंशियल फ्लैट इन पॉस करोनी वर्थ फाइव करोड़ रुपीज द करेंट प्राइस Uh, current market price And a plot worth 2 crore rupees in Delhi. Both the properties are titled in the name of Ritesh. Real estate Ritesh. Ke naam hai. Both of them have aged parents who are not dependent on them financially. Sonal is the only daughter of her parent and expects to inherit some real estate from them and some financial assets from her parents. Ritesh has two brothers.

आपस में कोई साथ मिलकर एसिड्स बनाए हुए हैं कुछ अलग अलग एसिड्स करे हुए इट्स अ कॉमन थिंग राइट अब अगर वो मेरे पास आते हैं स्टेट प्लानिंग एडवाइस के लिए तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा मैं उनको असेस करूंगा स्टेट प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग की प्रिपेयर्डनेस के लिए कि कल को क्या हो सकता है राइट right? क्या हो सकता है हुँ? क्या क्या हो सकता है उनकी लाइफ में दोनों की रितेश पासज अवे लीविंग सोनल एंड टू माइनर चिल्ड्रन ये हो सकता है सोनल पास अवे लीविंग रितेश एंड टू माइनर चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू आर विद मी यू आर विद मी बोथ ऑफ देम पास अवे इन अ ज्वाइंट है ना साइमल्टेनियसली दोनों साथ में प्लेन में सफर कर रहे थे तो प्लेन उड़ गया लीविंग टू माइनर चिल्ड्रन one of them becomes physically or mentally incapacitated possible right ritika marries her daughter his, their daughter and does not get along with her husband and separates hmm? common not common okay ayush marries and does not get along with his wife and separates from her ritesh passes away before receiving inheritance from his, from his parents and and सोनल पासिस अवे विदाउट रिसीविंग एनहेरिटेंस फ्रॉम अवर पेरेंट्स ठीक है ये आठ नौ सिचुएशन है इज इज एस्टेट प्लान प्रिपेयर फॉर दी सिचुएशन क्या क्या उसकी प्लानिंग इन नौ सिचुएशन के लिए प्रिपेर है वॉट इफ यू कैन गिव देम सोल्यूशन वेर यू से ऑल नाइन आई हैव कवर्ड इज इट वैल्यूएबल टू योर क्लाइंट ज इट वैल्यूएबल टू योर क्लाइंट अगर हम सॉल्यूशन दे पाए ये वाला कि मैं नौ की नौ स्थिति में आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर लूंगा आपकी इच्छा से ट्रांसफर करा दूंगा जिसको आप सिक्योर करना चाहते हैं उसको सिक्योर कर दूंगा इज दैट सोल्यूशन वैल्यूबल टू दे क्लाइंट को सॉल्यूशन वैल्यूबल है या नहीं और मैंने कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करा सर मैंने कोई प्रोडक्ट सेल किया करके मैंने एडवाइस दिया एडवाइस राइट right? मैं एक एग्जाम्पल देता हूं सपोज रितेश पासिज अवे अब क्या होगा क्योंकि जब मैं प्लान बना के देता हूं क्लाइंट को मैं बताता हूं वॉट विल इफ तभी तो आदमी को डर लगता है डर तो उसे लगता है ना अगर ये हो गया तो ये होगा वही रिस्क है राइट तो सपोज रितेश पासिज अवे तो आपके हिसाब से क्या होगा अगर रितेश की डेथ हो गई तो क्या होगा रितेश हिंदू ितेश पास इज अवे विदाउट मेकिंग अ विल तो एक हिंदू के लीगल हेयर्स कौन होते हैं मदर चिल्ड्रेन एंड स्पाउस तो ही टू चिल्ड्रेन वन स्पाउस वन मदर तो ऑल ऑफ देम आर डिवाइडेड वन फोर्थ इन स्पाइट ऑफ नॉमिनेशन नॉमिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नॉमिनी इज ओनली द केयर टेकर राइट तो हुआ क्या स वन लीगल हेयर्स ये चार लीगल एयर है सोनल इज वाइफ आयुष सन रितिका और रितेश मदर राइट इन सबको वन फोर्थ मिलेगा जो उसके फाइनेंशियल एसिड हैं वो इस इस रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे राइट क्या रितेश की यही मर्जी है वुड रितेश वांटेड दिस अगर आप रितेश से आज पूछो कि तुम क्या चाहते हो ये चार पार्ट में डिवाइड हो या पहले तुम्हारी स्पाउस पे जाए उसके बाद बच्चों पे जाए वॉट विल बी मोस्ट प्रॉबली बी इज आंसर कि मेरी, पहले मेरी वाइफ को जाए उसके बाद बच्चों पे जाए तो जो डिफॉल्ट है वो उसकी मर्जी नहीं है वो इसकी इच्छा नहीं है राइट right? फ्लैट चार पार्ट पर चार पार्ट कहना आसान है किसको कौन सा कमरा दू भाई गेट्स वॉट ज इट अ प्रॉब्लम इट्सिविजिबल एसेट फिनेंशियल एसेड तो कर दिया तुमने डिवाइड यह डिविजल है नहीं प्लॉट भेज दो आधे पैसे रख लो वन फोर्थ इज द सोल्यूशन विल इट क्रिएट प्रॉब्लम और यहां पर सोर्स ऑफ प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम क्या है असली मुझे बोलना नहीं चाहिए वो वर्ड मदर शेयर इज द प्रॉब्लम बाकी तो घर में ही है ना मदर का जो वन फोर्थ शेयर है दैट्स अ प्रॉब्लम अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू वांट योर वेल्थ टू गो टू योर मदर वन पार्ट ऑफ इट सच सच बोल रहा कितने लोग चाहते हैं कि एक हिस्सा मेरी वेल्थ का मेरी मदर पे चला जाए चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मदर की बात कहां जाएगा अब कितने लोग बोलते हैं जाना चाहिए ये पैसों का मामला है ध्यान से इमोशन काम नहीं करते नहीं अब अगर उसकी मदर उस पर डिपेंडेंट भी थी तो भी उसको विल बनानी चाहिए और विल में मदर को लाइफ इंटरेस्ट देना चाहिए कि टिल यू आर यू कैन यूज माय वेल्थ यू कैन कंज्यूम इट बट वॉट एवर रिमेन्स आफ्टर यू इट कम्स बैक टू माय लीगल एयर्स नॉट टू योर लीगल एयर्स दैट इज पॉसिबल दैट इज पॉसिबल प्रोवाइडेड ही डज ए स्टेट प्लानिंग प्रोवाइडेड ही डज ए स्टेट प्लानिंग यू आर गेटिंग अ पॉइंट नहीं नहीं इतना आसान नहीं है ये अब आप सिचुएशन देखिए सोनल पास इज अव ए प्रॉब्लम राइट बोथ ऑफ देम डाय साइमल्टेनियसली दोनों की डेथ हो गई एक्सीडेंट में अब अब आप तीन ही बचे तीन ही बचे ना मां और दो बच्चे रितेश के लिए सोनल के लिए दोनों बच्चे मां तो है ही नहीं वहां पे क्योंकि तो फीमेल में मदर इज नॉट अ लीगल हेयर क्या बच्चों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ये पैसे ले सकते हैं कोर्ट में जाकर उसको अपने नाम करा सकते हैं कर सकते हैं क्या उन्होंने इन बच्चों के गार्डियन अपॉइंट करे ये दोनों माइनर हैं हु गेट्स द गार्डियनशिप ऑफ द चाइल्ड Court decides, ये पे नहीं जाती गार्डियन जी समझते हैं आप हुज द लीगल राइट टू कीप दाइल्ड विद एंड मैनी ग्रैंड पेरेंट्स विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग इंडियन गार्डियनशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट के हिसाब से तीन टाइप के गार्डियन होते हैं खाली फर्स्ट इज नेचुरल गार्डियन एंड ओनली पेरेंट्स कैन बी नेचुरल गार्डियन और पेरेंट्स के अभाव में <coughs>

आप वो तीसरे टाइप का गार्डियन यूज कर सकते हो जो इंडिया में अलाउड है उसका नाम है गार्डियन गार्डियन ईच पेरेंट इज अलाउड टू अपॉइंट अ अ ऑफ ऑफ देयर चाइल्ड अलाइव थ्रू डॉक्यूमेंट लेटर टेस्टामिप अगर आपने वो लेटर ऑफ गार्डियनशिप बना दिया तो आपके बच्चे की कस्टडी उसको मिलेगी जिसको आप देना चाहेंगे और किसी कोर्ट के पास ये पावर नहीं होगी वो डिसाइड करे आपका बच्चा कहां जाएगा तो आज की डेट में आपने अपने बच्चों को विदाउट प्रोटेक्शन छोड़ा हुआ है अगर आपके माइनर बच्चे हैं तो राइट राइट चलिए अच्छा इनके ज्वाइंट एसेट्स का क्या होगा अगर इनमें से एक की डेथ हो गई तो आप में से कितने लोगों ने अपने स्पाउसिस के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोले हुए आप में से किसी एक की डेथ हो है तो क्या होगा ज्वाइंट फोलियो खोले हुए क्या होगा यहीं पे गलती है अदर वन ओनर नहीं होगा क्योंकि तो लॉ कहता है इफ एन इज इजली हेल्ड इट इज इक्वली हेल्ड एक एसेड दो लोगों के नाम है तो लॉ के हिसाब से दोनों बराबर के मालिक हैं, बराबर के ओनर तो मेरा एक दस लाख का म्यूचुअल फंड फोलियो है मेरी और मेरी वाइफ के साथ राइट हम दोनों के हम दोनों की वैल्यू कितनी है ओनरशिप पांच पांच लाख की मेरी डेथ के बाद मेरा पांच लाख रुपया मेरे लीगल एयर्स में बटेगा तो तो नहीं मां को भी तो 1.25 पॉइंट टू फाइव इच अगर दो बच्चे हैं तो तो ये मिथ है कि जॉइंट ओनरशिप में सर्वाइवर बिकम्स द ओनर आईज और सरवाइवर कहां टिक करते हो मोड ऑफ ओनरशिप या मोड ऑफ ऑपरेशन तो खाली ऑपरेशन के लिए है ओनरशिप से इसका कोई मतलब नहीं है ट्रांसमिशन होता है ओनरशिप नहीं होती अगर वो बच्चे या मां कोर्ट में केस डाल दें या नोटिस भी दे फंड कंपनी को मत ट्रांसफर करो मेरे ऑनरशिप है नहीं होगा ट्रांसफर रुक जाएगा प्रॉब्लम क्या है उस मां को भी नहीं पता मेरा शेयर है इस पे इसलिए वो करती ही नहीं है प्रॉब्लम वहां पे है ना लॉ में प्रॉब्लम नहीं है लॉ इज वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग इज द डेविल इज इन द डिटेल्स डेविल कहां पे डिटेल्स में स्टेट प्लानिंग की जब भी मैं बात करता हूं मैं एक मैं कोट बार बार बोलता हूं इन स्टेट प्लानिंग दे आर सर्टेन थिंग्स विच यू नो दैट यू नो एस्टेट प्लानिंग में कुछ बातें ऐसी हैं बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको पता है कि आपको पता है देन दे आर सर्टेन थिंग्स विच यू नो दैट यू डोंट नो कई सारी बातें ऐसी हैं जो आपको पता है कि मुझे पता नहीं है एंड लास्टली दे आर सर्टेन थिंग्स विच यू डोंट नो दैट यू डोंट नो जो आपको पता ही नहीं कि आपको पता नहीं है पर है तो वो ये आखिरी वाला सबसे रिस्की है इसीलिए स्पेशलिस्ट चाहिए इसीलिए स्पेशलिस्ट चाहिए और क्लाइंट को भी के लिए साथ भी ये तीनों चीजें चल रही हैं और उसके जो मिसकनसेप्शन है उसका उसका रिजल्ट क्या होगा हिज फैमिली वुड सफर पीपल हु मोस्ट वुड सफर बिकॉज ऑफ हिम हिज इग्नोरेंस दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू ओवरकम दैट इज वॉट वी वॉन्ट टू ओवरकम राइट चलिए आई विल नॉट डू द लास्ट वन आईव जस्ट एक्सीडेड माई टाइम आई टेक यू टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट सो टूमोरो आई टॉक अबाउट ट्रस्ट आई डू दिस देयर बट मैं एक पार्ट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वाई यू शुड डू ए स्टेट प्लानिंग फुल एज अ बिजनेस As समथिंग विच यू शुड ऑफर टू योर क्लाइंट राइट क्यों करना चाहिए राइट right? अच्छा आप लोग किस रीजन से ये नहीं करते आप मुझे वो बताइए. लेट्स मैनी ऑफ यू आर नॉट डूंग नॉट गिविंग दैट एडवाइस टू योर क्लाइंट्स उसका रीजन क्या है वन इज लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ नीड ऑफ द क्लाइंट ठीक है इतना दूर का नहीं सोचा लैक ऑफ नॉलेज है आपको ये सर्विस ऑफर देने वाला कोई नहीं है अपने साथ ये मेन रीजन है और कोई और कोई ये yes, सर एक मिनट सुनिए सुनिए लैक ऑफ नॉलेज ऑफ गिविंग ए स्टेट प्लानिंग एडवाइस और द नीड फॉर इट ठीक है और कोई रीजन इसमें फीस ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिलती है एक तो डायरेक्ट कमाई होती है पर एक चीज की कमाई और होती है वो क्या होता है वो जो रिलेशनशिप है ना वो नेक्स्ट लेवल की हो जाती है अगर आपने किसी क्लाइंट की सपोज विल बनवा दी तो वो क्या क्या शेयर करेगा आपसे सबसे पहले तो अपनी सारी वेल्थ बताएगा क्या क्या है जो आज तक आपको नहीं पता चली चाहे आप पंद्रह बीस साल से उसका काम कर रहे हो कितने लोगों को अपनी क्लाइंट की कंप्लीट वेल्थ पता है अगर आप हाथ उठाओगे मैं पूछूंगा यही कंप्लीट है इसके अलावा भी कुछ है कोई गारंटी नहीं है पर विल बनवाएगा तो बतानी पड़ेगी ना तो मजबूरी है आई वेल कम टू दैट पार्ट दूसरी बात आपको एक चीज और पता चलेगी जो इससे भी इंपॉर्टेंट है उसकी रिलेशनशिप्स कैसी हैं घर में अगला बंदा कौन सा इसको पकड़ना चाहिए इंपॉर्टेंट जानकारी है या नहीं एक कारवी की स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा सेवेंटी परसेंट क्लाइंट चिल्ड्रेन डू नॉट कीप देयर फादर्स डिस्ट्रीब्यूटर एज देयर डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका बिजनेस है ना इसमें सक्सेशन प्लान नहीं होता बाप का एडवाइजर कोई और था बेटे का कोई और से हो जाता है क्योंकि वो गैप आ रहा है जनरेशन गैप वहां पे भी तो आ रहा है पर अगर वो कंटिन्यू कराना है गजब की चीज है ये बेटे से कहो वो वेल्थ मैं ही दिलवा के दूंगा भाई बता मेरे से बना के रखनी है या नहीं बड़ी सिंपल सी बात है ना राइट और क्या रीजन है लैक ऑफ नॉलेज हायर एंड एक्सपर्ट हायर एंड एक्सपर्ट राइट और कोई रीजन इसके अलावा कितने लोगों को अच्छा एक, एक बात और पूछता हूं कितने लोगों को क्लाइंट से यह बात करने में डर लगता है कि यार ये क्या बात कर दी डेथ की क्योंकि एस्टेट प्लानिंग की बात होगी तो बात किस चीज की होगी आफ्टर यू तो बात होगी हो ना तो डेथ की बात करते हुए कितने लोगों को डर लगता है क्लाइंट से डर लगता है इज इट अ रियलिटी और अमित रियलिटी है एंड शुड यू मेक यूर डेथ ब्यूटिफुल और अगली मरने के बाद जाओ लोग कहें क्या गया है शान से गया है यो ना गालियां देगी भाई क्या कर गया मार लिए इससे बढ़िया तो कुछ छोड़ के ही नहीं जाता नहीं जाओ तो शान से जाओ ना कि भैया प्लानर था इतनी अच्छे से प्लानिंग करके गया कि हमारे रिश्ते इसके जाने के बाद भी सही चल रहे हैं इफ योर चिल्ड्रेन फाइट ओवर योर वेल्थ वॉट इज द बिगेस्ट कैजुअलिटी नुकसान सबसे बड़ा क्या है अगर आपके बच्चे आपकी डेथ के बाद आपकी प्रॉपर्टी के लिए लड़ेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है आपने उनकी रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर दी सबसे बड़ा नुकसान है वो पैसों का नुकसान तो बहुत बात की बात है आजकल कितने भाई बहन होते हैं तो आपका बच्चा क्या हो गया लड़ने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया और रिस्पॉन्सिबल कौन है जिसने विल नहीं बनाया जिसने स्टेट प्लानिंग नहीं करी तो अगर आप ये बात करोगे और मैंने हर तरीके के आदमी से बात करी है और अप्रंट करी है आप वहां पर रिश्तेदारी निभाने गए हो उसके साथ दोस्ती करने गए या प्रोफेशनल एडवाइस देने हो वॉट इज योर रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट प्रोफेशनल अगर रिलेशनशिप प्रोफेशनल है तो मुंह पे सीधा क्वेश्चन करना पड़ेगा अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हो और पूछता है ना प्रॉब्लम क्या है उसे शर्म आती है पूछते हुए कैसा भी क्वेश्चन पूछते है शर्म आती है और वो क्लाइंट और जो पेशेंट है वो क्वेश्चन सुन के खुश होता है दुखी होता है खुश होता है कि कम से कम ये जानने की कोशिश तो कर रहा है मेरी प्रॉब्लम क्या है और ये मुझे सावधान कर रहा है फ्यूचर में प्रॉब्लम क्या हो सकती है दैट्स वाइट आई एम देयर फॉर तो बी वेरी ओपन ऑन टॉकिंग अबाउट एस्टेट प्लानिंग टू योर क्लाइंट दैट्स अ वेरी वेरी फंडामेंटल थिंग दैट्स वेरी वेरी फंड इसमें शर्माना बिल्कुल नहीं है शर्म की बात ही नहीं है आप सर गलत कर रहे हो सही कर रहे हो आप उस ये क्वेश्चन पूछे सर गलत कर रहे हो सही कर रहे हो उसका इसमें फायदा होगा नुकसान होगा और उसके फायदे में आपका नुकसान कैसे हो सकता है वॉट इज गुड फॉर माई क्लाइंट कैन नेवर बी बैड फॉर मी ये तो बेसिक रूल है इस बिजनेस का राइट आई मिस दिस पार्ट विद यू वेल्थ ट्रांसफर कैन एडवाइजर्स इग्नोर इट तो पहला क्वेश्चन है इफ यू टॉक टू योर क्लाइंट्स अबाउट विल पावर ऑफ ऑन लेटर ऑफ गार्डियनशिप और अ लिविंग विल हुम डू यू थिंक दे वुड बी दे थिंक दे आर वर्किंग फॉर आप किसके लिए काम कर रहे हो क्लाइंट के लिए क्लाइंट के लिए ये तो प्रूव होगा ना कि आप किसके लिए बात कर रहे हो क्लाइंट के लिए दूसरा ये मैं कर चुका हूं डू यू नो द एंटायर एसेट्स ऑफ योर क्लाइंट्स राइट अगर आप एक क्लाइंट से उसकी विल ड्राफ्टिंग उसकी एस्टेट प्लानिंग की बात करते हो तो आपकी रिलेशनशिप उसके पैसे के साथ बनती है उसके दिमाग के साथ बनती है अच्छी रिलेशनशिप कौन सी है पैसे वाली या दिमाग वाली राइट दिस इज शेयर ऑफ माइंड रिलेशनशिप राइट एंड हैव यू लॉस्ट एसेट्स ऑफ अ स्पाउस और फैमिली मेंबर आफ्टर अ क्लाइंट डाइज ये हुआ है क्लाइंट की डेथ हो गई एसेट्स अब किसी और के पास चले गए या विड्रॉ हो गए डज इट अक्कर एंड लास्ट इज लास्ट इज हाउ ऑफ यू थिंक दिस इज जॉब ऑफ अ लॉयर एस्टेट जॉब ऑफ अ लॉयर इट इज नॉट द जॉब ऑफ अ लॉयर आई कैन गारंटी यू आई एम नॉट अ लॉयर राइट मैंने लॉ नहीं किया हुआ भैया। वो बात अलग है महीने में दस पंद्रह ट्रस्ट बनाता हूं मैं इतनी सारी विल मुझे लॉ करने की जरूरत ही नहीं है उसकी राइट right? प्रॉब्लम क्या है लॉयर वेट फॉर पीपल टू कम टू देम एन आस फॉर एडवाइस या चार्टेड अकाउंटेंट भी क्या करता है वो अपने ऑफिस में बैठा है तुम आओ उससे क्वेश्चन पूछो वो आंसर कर देगा डू दे गो टू पीपल एंड गिव एडवाइस एंड वुड पीपल कम एंड आस्क फॉर दिस काइंड ऑफ एडवाइस हाउ लाइकली दे आर दिस इज समथिंग समच इज अ पुश प्रोडक्ट इट्स नॉट अ पुल प्रोडक्ट अनलेस फैमिली में कुछ गड़बड़ हो जाए है ना अगर मेरे पे कॉल आता है किसी क्लाइंट का मुझे ट्रस्ट बनानी है तो या तो उसकी वाइफ से उसका डाइवोर्स होने वाला है या किसी किसी ने उसको क्रेडिटर ने उसको नोटिस दे दिया है इसके अलावा रीजन नहीं होता कोई है ना वो तो आप एज्यूम कर लो बाकी लोगों को आपको मोटिवेट करना पड़ता है कि ये कल को ये हो गया तो आपके साथ क्या होगा राइट सो आर यू इग्नोरिंग फाइनेंशियल इश्यूज दैट आर आउट ऑफ योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आप लोगों ने सबने मुझे यही बोला एंड दिस कवर्ड सो आपके दो क्वेश्चन हैं

we become your consultant to help you deliver these services right to aapko kya karna hai khali client ke sath hamari meeting fix karni hai we will take it from there you become part of the meeting you create the need and we'll take it from there and we will be doing a little 10 15 minute presentation on this और दूसरा अगर आपको नॉलेज की प्रॉब्लम है तो हमारा एक कोर्स है चार्टेड ट्रस्ट एंड एस्टेट प्लानर विच विल मेक यू अ मास्टर ऑफ एस्टेट प्लानिंग कॉल्ड चार्टेड ट्रस्ट इन एस्टेट प्लानिंग सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड एस्टेट प्लानिंग का एक ही रूल है जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो सबसे ऊपर लिखा है डू इट नाउ समथिंग समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर एंड मोस्ट ऑफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट इन डिसीजन की कब करें अभी तो बहुत टाइम पड़ा है राइट right? uh, I'll not take all of this. That's all from my side. Thank you very much. Uh, Thank you, Deepak sir.